अपने भाजपुर की महान जनता के लिए ही कामना करता हूं कि प्रभु उन्हें स्वस्थ शरीर दे और निरोगी काय दे। सरकार का उद्देश्य है कि वह आसानी से जनता तक पहुंचकर इन स्वास्थ्य सेवाओं तक पहुंचा सके। इसी कारण जो ये शिविर हमें मिला तो हमने शहर में ना लगे कि ग्रामीण क्षेत्र में पहुंचाया, और हमारे चिकित्सा अधीक्षक ने एक बढ़िया मैनेजमेंट के तहत आज इसका व्यापक प्रचार प्रसार किया है। और जो सरकार के द्वारा जितनी भी उपलब्धियां हैं, जन कल्याणकारी स्वास्थ्य संबंधित योजनाएं हैं, उनको बताया जा रहा है। जनता में उत्साह है अटल आयुष्मान उत्तराखंड को लेकर के, जनता में उत्साह है जन औषधि केंद्र को लेकर के, जनता में उत्साह है महालक्ष्मी किट योजना को लेकर के, जनता में उत्साह है कोविड सेशन को जिस प्रकार से फ्रंट लाइन वर्कर्स के रूप में इन डॉक्टर्स ने अपना कर्तव्य निभाया है, आशा बहनों ने जो अपना काम किया है, उसी के निमित्त देखिए कि इस शिविर के अंदर भारी मात्रा में भाजपुर की महान जनता ने यहाँ पर भागीदारी की है और काउंटरों पर हर काउंटर पर भीड़ है। नहीं, चुनाव खत्म हो गया, नहीं आएंगे अभी। क्या है कि उनको जनता के इन छोटे छोटे कामों से कोई सरोकार नहीं है। चुनाव आता है तो वो दिखते हैं, चुनाव आने पर ही। कि भारत का अमृत महोत्सव चल रहा है, इसी क्रम में हर एक ब्लॉक में हेल्थ मेला यानी कि स्वास्थ्य शिविर लगाए जा रहे हैं, जिसमें एक ही छत के नीचे, जैसे कि यहाँ पे गवर्नमेंट कॉलेज भाजपुर में लगाया गया है, इसमें बाल रोग विशेषज्ञ, हड्डी रोग विशेषज्ञ, नेत्र रोग विशेषज्ञ, आयुर्वेदिक विभाग, होम्योपैथिक विभाग, कोरोना का टीका, गर्भवती माताओं की जांच, स्त्री रोग विशेषज्ञ और हड्डी रोग विशेषज्ञ, इन सबको बुलाया गया है। फैमिली प्लानिंग काउंसिल, किशोरावस्था काउंसिलिंग और खाद्य सुरक्षा, विकलांग शिविर, UID बनना, आयुष्मान कार्ड बनना, सब छत के नीचे हो रहा है। ये हमने रखा है कि हमेशा मेन शहर में लगाते आ रहे हैं भाजपुर में, लेकिन गाँव की जनता जो शहर में नहीं पहुँच पाती पैसों के माध्यम से और चीज़ से, हम सभी स्पेशलिस्ट को, सभी विशेषज्ञ को एक छत पे लिया है ताकि लोग जो हैं अधिक से अधिक मात्रा में इसका लाभ उठा सके। इसमें दवाइयाँ, निःशुल्क पर्चे, निःशुल्क जाँच सब फ्री हो रही है। अभी देखिए, मेरे को जानकारी मिली करीब 300 लोग हमारे पास अभी तक रजिस्ट्रेशन करा चुके हैं, डॉक्टर्स लोग देख रहे हैं, जाँचें भी हो चुकी हैं, माननीय मंत्री जी भी आए तो उनका भी राउंड करवा दिया मैंने, तो अभी और लोग शाम तक है तो अभी काफ़ी लोग आएंगे।